सहारनपुर पुलिस ने आज चंद्रशेखर पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन चार में से जहां तीन आरोपी देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव रणखंडी के रहने वाले हैं, तो वहीं एक युवक हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस ने कल इन्हें हरियाणा के अम्बाला से उस समय गिरफ्तार किया था जब ये कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। पूरे घटनाक्रम का आज DIG सहारनपुर रेंज अजय साहनी द्वारा खुलासा किया गया। उन्होंने बताया कि चारों युवकों ने ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर तीन राउंड फायरिंग की थी। हमला करने का कारण बताते हुए कहा कि आरोपी युवक चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली NCR में दिए जा रहे बयानों को लेकर आहत थे। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये दिल्ली से कार द्वारा देवबंद आ रहे थे। टोल प्लाजा पर इन्हें जब चंद्रशेखर देवबंद की ओर जाता हुआ देखा गया तो तुरंत उसे मारने का प्लान बनाया और उसका पीछा करते हुए देवबंद तक आए। DIG अजय साहनी ने बताया कि 28 जून को देवबंद में चंद्रशेखर की गाड़ी पर हमला हुआ। इस मामले में सहारनपुर SSP द्वारा 5 टीमें गठित हुई और ये 5 और टीम इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए थी। इस दौरान पता चला कि चार युवक विक्की, लविस और प्रशांत देवबंद के गांव रणखंडी के रहने वाले हैं और एक युवक विक्की हरियाणा का। पकड़ी गई कार हरियाणा के विक्की की थी। पुलिस द्वारा आरोपियों से की गई पूछताछ में बताया गया कि कुछ महीनों से चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली NCR में बयानबाजी की जा रही थी। उस बयानबाजी में कुछ चीजें ऐसी थीं जो गलत थी, उसको लेकर हमारे अंदर नाराजगी थी। उन्होंने बताया कि ये लोग देवबंद की ओर आ रहे थे, तभी इन्हें रोहाना टोल प्लाजा पर चंद्रशेखर का काफिला दिखा और उन्होंने तुरंत ही मारने का प्लान बना लिया और देवबंद में आकर उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने तीन राउंड फायरिंग की। 315 बोर के तमंचे से फायरिंग की गई। DIG अजय साहनी ने कहा कि चारों आरोपियों में से तीन आरोपियों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें से कुछ पर पहले ही 307 और लूट की घटनाएं दर्ज हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद तीन की रिमांड ली जाएगी और पूरे मामले की गहनता से छानबीन और पूछताछ होगी। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने वाली पूरी टीम को BJP द्वारा 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फॉर्चुनर गाड़ी में सवार थे। इसमें SSP सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी, SP City, SP देहात, CO देवबंद, SWAT और सर्विलांस की। ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकल कर सामने आया कि ये चार लड़के हैं, एक विक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक विक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी विक्की विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा NCR और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी, उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में DGP महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहाँ यहाँ की टीम गई और वहाँ पापर थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहाँ से और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। जी, इनका आपराधिक इतिहास हमने मेंशन कर दिया है प्रेस नोट में, 307 के और कुछ अन्य मामले पूर्व में है, वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को मेंशन कर दिया। चार में से तीन का आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है। हथियार इनके पास थे, जैसा कि हमने बताया पूर्व में भी इन्होंने 307 की और एक लूट की घटना में भी ये शामिल रहे देवबंद में, तो इनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा। जिस बयानों से ये आहत हुए थे, क्या वो राजनीतिक बयान थे या जातिगत बयान थे, कुछ बताया है इन्होंने? ये सारी चीज़ें बृहद अभी इसमें पूछताछ की जानी है, काफ़ी तथ्य अभी और सामने आने हैं, तो इनको हमें नियमानुसार अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के पश्चात फिर हम लोग रिमांड मांगेंगे और जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी उस रिमांड के आधार पर अग्रिम और पूछताछ करेंगे। जो तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। अभी तक तो जो आया है ये चार लड़के ही शामिल हैं और सारी की गिरफ्तारी हुई है और ये सारे के सारे ये चारों के चारों गिरफ्तार।
हाँ हाँ फायरिंग इसीलिए की गई थी। थैंक यू। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।